मंगलवार देर रात नशे में ले ली एक की जान और एक है गंभीर घायल। दोनों ही महिलाएं। मंगलवार देर रात इन दोनों महिलाओं ने शराब के नशे में खुद को चूर कर लिया और उसके बाद लगी कार को ड्राइव करने। और जब कार उनके हाथ में आई तो रफ्तार 100 के ऊपर और नशे में चूर महिलाओं में से एक की मृत्यु हो गई जब टकरा गई एक पेड़ से। अचानक थाना क्षेत्र की तरफ से आ रही यह गाड़ी मंगलवार देर रात 1:30 बजे करीब नशे में धुत कार में दो महिलाएं तेज रफ्तार में अपने घरों को वापस लौटते समय कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पर मौके पर मौजूद लोगों ने कार का शीशा तोड़कर घायल महिलाओं को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस और कंट्रोल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायल महिलाओं को नजदीकी अस्पताल जहां चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी महिला की हालत गंभीर थी, उसे ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है वहीं मृतक महिला की कृष्णानगर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शारानगर के रुचि खंड प्रथम के मकान संख्या 2/80 में रहने वाली सफलता पाठक 36 वर्षीय उम्र पति जो पत्नी है स्वर्गीय दीपक पाठक अपने बेटे हर्षित पाठक के साथ रहती थी और पेशे से कॉस्मेटिक की होलसेल व्यापारी भी थी। इसी मकान में दीपिका निषाद 28 वर्षीय डॉली पुत्री लल्लू निषाद अकेले रहकर सफलता के साथ ही रहती थी। मंगलवार देर रात सफलता की स्विफ्ट डिजायर यूपी 32 एसडी 7707 से अपने रुचिखंड आवास लौट रही थी। उसी दौरान किला चौराहा स्थित स्मृति प्लाजा के पास तेज रफ्तार में आ रही कार अनियंत्रित हो सड़क के किनारे बने साइकिल ट्रैक को तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई और जिससे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर कार में बैठी दोनों महिलाएं पूरी तरह घायल हो गई और राहगीरों ने कहा हालांकि एक घायल महिला तत्काल ही मृत्यु के भेंट चढ़ गई और इसका मुख्य कारण शराब और शराब में चूर होने का कारण था। नशे में धुत दोनों महिलाएं इस कदर धुत थी कि उन्हें न स्पीड पता चल रही थी और न कार जाने की दिशा। आशाना थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई कार हादसा के बाद उस कार से महिलाओं का पर्स जिसमें 70,000 रुपए व दो फोन व दो बोतल शराब की एक बोतल खाली एक बियर की बोतल खाली गिलास सिगरेट के पैकेट समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। जो स्थिति यह बयां कर रही है कि हादसे के पूर्व कार के अंदर ही शराब का सिलसिला बहुत तेज से चला जिसके बाद महिलाएं देर रात जो है ये थाना सियाना से स्विफ्ट जो है आ रही थी तेज रफ्तार में। जब तेज रफ्तार में आ रही थी तो ये कम से कम 140-150 की स्पीड में थी। जी जी ये जो है ये जो साइकिल पथ बने हैं ये इस पे जो है चढ़ी है गाड़ी फिर उसके बाद में जंप हुई है। जंप होने के बाद में पेड़ में लड़ी है। पेड़ में लड़ने के बाद में फिर नीचे गिरी है। उसके बाद में वो जो एक गुमटी लगी हुई है उस गुमटी पे ठोकर लगी है। गुमटी उधर चली गई थी। उसके बाद में जो है वो गाड़ी फिर नीचे गिरी है। तब उसमें एक तो तुरंत ख़त्म हो गई थी लेडीज महिला ही थी दोनों। अच्छा, दोनों महिला थी ड्राइव कर रहे एक बैठी थी और एक चला रही थी। ड्रिंक किए हुए थी दोनों। जी जी ये पक्की बात जी। अच्छा, ये जब घटना हुई उस समय आप लोग कहाँ थे? नहीं हम लोग तो शॉप बंद करके रूम पे चले गए थे। अच्छा, तो जब आवाज सुनी तो तब हम लोग यहाँ आए। अच्छा, तो महिलाएं थी। अरे एक की शायद 30 होगी और एक एक की 40 के ऊपर होगी। दोनों ड्रिंक थी। पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ये एक्सीडेंट हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि रात में करीब 1 बजे यहाँ हुआ था। मैं यहाँ से इधर से गाड़ी आ रहा था। अच्छा, उसके बाद घटना हो गया तब हम पूरे नहीं देखे। अभी घटना हो गया तब हम आए। बताया ये जा रहा है यहाँ पर अजीत सिंह के द्वारा यहाँ आगे वाइन शॉप है उनकी ब्लेंडर प्राइड लिखा है उसमें। उनका कहना है कि 9:30 बजे के आसपास इन्हीं महिलाओं ने
इसी दुकान से ड्रिंक किया था। उसके बाद यहाँ जो ड्रिंक किया था वो कम था, लेकिन उसके बाद जो ड्रिंक किया वो ज़्यादा था। लेकिन 11, 11:30, 11:12 के आसपास जो 12 बजे के बाद में इनकी घटना हुई, वहाँ से लखनऊ की तरफ से आते हुए इस किले चौराहे के आसपास जो स्पीड थी गाड़ी की वो 140-150 बताई जा रही है। आपने थोड़ी देर पहले जो बाइट में सुना है वो 140-150 बताई जा रही है, लेकिन कितनी थी वो अनुमानित लगभग इसी प्रकार से थी। उसमें 2 महिलाएँ उपस्थित थी और गाड़ी के नंबर के ऊपर जो निशान मिल रहा है वो पुलिस नामक संस्था का ये निशान होता है, अमूमन आपको इससे पहले दिखाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के द्वारा ड्रिंक ज़्यादा था, और उम्र जो महिलाओं की बताई जा रही है 1 की 30 के आसपास और 1 की 40 के आसपास, यानी ये पूरा मामला शराब का था। शराब के नशे में चूर अगर रात में इस तरह हो जाएंगे तो हादसे होना मुलाजिम है। शराब कम करें और इस तरह के वाहन संचालकों को सोचना चाहिए कि शराब पीकर अगर इस तरह की ड्राइविंग होगी तो मौत को तो बुलाना लाजमी है। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ इस दर्दनाक घटना की पूरी रिपोर्ट के साथ मैं सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।